Guys, welcome you all in logical reasoning playlist. Today we are going to discuss about what is the cause and effect in reasoning. Today we are going to discuss the trick of cause and effect statements. So what is it and how will we solve this question? Let's start without wasting the time. So here are the five statements which will be given in the question, and we have to find out which one is correct and which one is not correct according to the given sentence. Before discussing about the sentence, I would like to discuss about the cause and effect. See guys, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, सपोज करिए नंबर वन स्टेटमेंट है, नंबर टू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वन है, राइट। अब सपोज कीजिए ये आपका कोज भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है ये आपका इफेक्ट भी हो, राइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये भी सिमिलरली दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा कोज एंड कौन सा इफेक्ट है? इट मीन्स हाउ विल यू फाइंड आउट द विच वन इज कोज एंड अनदर वन इज इफेक्ट। सो देर इज अ सिंपल थिंग दैट यू नीड रिमाइंड इन योर माइंड। जब भी आपको दो सेंटेंस को जोड़ना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एडिंग सम सेंटेंस, यू हैव टू एड विद ए वर्ड दैट इज सो, या अपन यूज कर सकते हैं इसकी जगह देयरफॉर, ठीक है, इनका अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है, इसलिए। तो देयरफॉर या सो को आप यूज करोगे कोई भी सेंटेंस के बीच में। अब देखो इनका बेनिफिट क्या होता है यूज करने का। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर वन है, लिख दिया, देन आप लिखते हो सो इस कारण से ये बना। हम बोलते हैं ना ये चीज हुई, सो इस कारण से हमारा ये बना। तो एक तरह से ये चीज क्या हो गई, हमारी हो गई कोज यानी कि कारण, एंड सेकंड वन इज आर इफेक्ट यानी कि प्रभाव, यानी कि वन के कारण सेकंड हुआ। हमने सो करके चेक किया कि ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं क्या? हाँ सर, लिंक हो रहे हैं। सो यूज करो, देयरफॉर यूज करो, जो आपकी इच्छा है यूज इट। सो हमें पता चला कि फर्स्ट वन कोज है एंड सेकंड वन उससे बन रहा है, देन सेकंड वन इज योर इफेक्ट, राइट। तो हमें पता चल गया इफेक्ट एंड कोज कौन सा है। समटाइम इट हैपन्स कि जरूरी नहीं है वन हो सेकेंड हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड हो देन आप सो लगाओ एंड देन वन करो। तो अगर ये लिंक कर गया तो आपका सेकेंड वन हो जाएगा कोर्स एंड फर्स्ट वन इज ओवर इफेक्ट, राइट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन सेंटेंस को समझते हैं, जो पांच अपन को गिवन होंगे ना, 1 2 3 4 5, इनको समझते। पहला बोल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज कोर्स एंड सेकेंड वन इज इट्स इफेक्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट अपना कोज है तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, आपका इफेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा सेकंड वन है, जस्ट अपोजिट, इफ द सेकंड वन इज कोज देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स इफेक्ट, राइट। एंड समटाइम इट हैपन्स कि क्या होगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपस में लिंक नहीं कर रहा है, आपने सो लगा के देखा और फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में लिंक नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि ये भी आपका चेक करोगे आप क्या ये कोज है कि इफेक्ट है। तो आपने चेक किया ये कोज निकला सर और ये सेकंड वन आल्सो ए कोज, तो अगर ये दोनों कोज है तो ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट कोज की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन सी वहां पे आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ फोर्थ वाली की, तो देखो बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोज। सपोज कीजिए आपका स्टेट नंबर फर्स्ट का कोज ये था, सेकेंड वाले का कोज ये था, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड का कोज सी टू था, इसका कुछ इफेक्ट निकला E1 एंड इसका कुछ इफेक्ट निकला E2। अब ये आपस में आप चेक करोगे सो के थ्रू क्या ये आपस में लिंक कर रहे हैं क्या। अगर लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिंक नहीं कर रहे, तो इनके इंडिपेंडेंट यानी कि C1 और C2 अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। बट सपोज कीजिए, अब सपोज कीजिए C1 और C2 दोनों एक ही है, वी कैन से C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, राइट, यानी कि दोनों एक ही के हैं यानी C के ही हैं पार्ट। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेस का आंसर आता है, यानी बोथ द स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेस। तो आपको पांचों समझ में आए कैसे क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अपन क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से पूरा समझने की कोशिश करते हैं, हाउ विल वी सॉल्व द कॉज एंड इफेक्ट विद इन द 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के अगर अपन एग्जाम में ये चीज समझ पाते ना, दैट्स गुड, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, मजा आएगा आपको, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज आर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। अराउंड 60% ऑफ द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री एक्ट्स विश टू परस्यू एथिकल हैकिंग, ओके 60%, राइट, ओके। एंड द IT सेकंड वन स्टेटमेंट कहता था, IT कंपनी इन द 3 ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कंट्री एक्ट्स रिसेंटली फेस्ड द अटैक ऑफ हैकर वायरस इन मैनी ऑफ देयर सिस्टम्स। यानी कि अगर अपन फर्स्ट अप्लाई करें कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 60% सॉफ्टवेयर प्रोफेशन ने हैकिंग कर लिया है, ये करना है अपन को फ्यूचर में। सो तो IT कंपनी के यहाँ पर हैकिंग का अटैक हुआ था, ये चीज़ बोलिए। तो क्या यहाँ पर कुछ रिलेट हो रहा है,
आई थिंक ये रिलेट नहीं कर रहा है। बट अगर मैं ये सेकंड वन स्टेटमेंट बोलूं और उसके बाद सो लगा के फर्स्ट बोलूं, तो क्या ये रिलेट कर रहा है कि आईटी कंपनी में हैकिंग के केस बढ़ने के कारण, अटैक बढ़ने के कारण उस कंट्री के लोगों ने क्या फैसला लिया कि कुछ लोग जो प्रोफेशनल है वो एथिकल हैकिंग करेंगे। तो यहाँ पे रिलेट हो रहा है कि यहाँ पर कि सेकंड वन के कारण फर्स्ट वन इफेक्ट कर रहा है कि सेकंड वन में अटैक जैसे बढ़े तो वहाँ पर यहाँ पर एथिकल हैकिंग के स्टूडेंट ज़्यादा हो गए। तो ये अपना हो गया यहाँ पर कॉज एंड सेकंड वन इज योवर, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका सूटेबल लगता है बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर 3 देखें तो स्टेटमेंट इज सेकंड इज ए कॉज एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो आंसर 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आईटी कंपनी में अटैक बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपके वो एथिकल हैकिंग की इच्छा बढ़ेगी, यानी परस्यू करेंगे वो एथिकल हैकिंग को। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है कौन सा कॉज एंड कौन सा इफेक्ट है, आया समझ में? अगर ये चीज़ राइट होती जाएगी तो आपको मजा आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से ध्यान से समझना इसको। देखिए द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इश्यू ए स्टेटमेंट मेंशनिंग डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी मानसून के कारण यहाँ पर एक स्टेटमेंट इन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। सेकंड वन स्टेटमेंट कहता है द गवर्नमेंट हैज लोअर्ड द रिव्यूड एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर एस्टिमेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ अलग चीज़ की बात हो रही है और यहाँ पे अलग चीज़ की बात हो रही है, तो ये आपस में पहली बात तो रिलेट कर रही नहीं है, तो यहाँ सीधा समझ में आता है ये दोनों तो आपस में गलत हो गए ऑटोमेटिकली। साफ दिख रहा है यहाँ पे बारिश और मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करिए और यहाँ जीडीपी कर रहे हैं, तो यहाँ पूरी चीज़ अलग अलग हो गई। लेकिन अपन को अब पता लगाने की क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कोज है कि इफेक्ट है, तो वो कैसे लगाते पता। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि मानसून के कारण यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि कुछ इफेक्ट अप्लाई हुआ है पहले से मानसून के कारण, तब जाके ये चीज़ हुई, यानी कि ये चीज़ इफेक्ट हुआ है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट आपका इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है, समझे कैसे, मानसून के कारण, तो ऑटोमेटिक यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ आल्सो सेकंड वन स्टेटमेंट इज आल्सो इफेक्ट, व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे बोला कि फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर एस्टिमेट, यानी कि पुराने यानी कि जो अभी अभी हुए एस्टिमेट उसके आधार पे इन्होंने पावर कम की, यानी कोई रीजन रहा तब जाके इस पर इफेक्ट पड़ा, जीडीपी इफेक्ट पड़ा पुरानी चीज़ों के कारण, तब जाके उन्होंने लोअर करा, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट। तो यहाँ पर ये एक और इफेक्ट है, तो ये दोनों क्या हो गए एक तरह से आपके इफेक्ट हो गए, ये भी इफेक्ट है ये भी इफेक्ट है। बट क्या दोनों का कोज एक ही है, क्या दोनों का कोज एक ही है ये बताओ मुझे पहले, दोनों का कारण एक ही है? नहीं, ये तो यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है या रेनफॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है डी। क्यों? क्योंकि द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, और हमारे यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट, अलग अलग है, मैंने बताया था ना सी वन एंड सी टू करके, बस वही चीज अप्लाई हो रही है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, बस रिलेट कर रहा है सो लगाओ देयरफॉर लगाओ आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव ऑन करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 3, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा एंड एक्सरसाइज इज बींग रियलाइज बाई ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी कि रियलाइज किया जा रहा है, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा। देर इज ए इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडल एज ऑफ द, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज की जा रही है अवेयरनेस। तो देखो यहाँ पर अगर देखें कि अवेयरनेस इंक्रीज करने के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है योगा और एक्सरसाइज की वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्या यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है? देखो सेकंड को फर्स्ट से जोड़ने की कोशिश की मैंने और बिल्कुल बिल्कुल ये रिलेट कर रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि देयर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलर अमंग द मिडल ग्रुप ऑफ पीपल, सो या देयर फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बींग रियलाइज बाई द ऑल द सेशंस ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड वन आपका यहाँ पर हो जाता है कॉज एंड फर्स्ट वन इज योवर इफेक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका आंसर हो गया सर बी, राइट। तो इस तरह से आपको लिंक करते हुए चलना है और आसान से आसान क्वेश्चन होते जाएंगे आपके लिए। इसमें एक चीज़ करनी है आपको कैसे इफेक्ट में प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन की दबा दब 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए आपका खेल खत्म। फिलहाल तो मैं जितने क्वेश्चन हो सकते उतने कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में और बाकी आप गूगल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो और आंसर फाइंड आउट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। करें शुरू, आई होप आपने किया होगा, वीडियो को पॉज करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मुझको ये पता लगाना है। सबसे पहले द गणेश रिवर इज फ्लडेड ड्यू टू द लार्ज शीट ऑफ आइस कमिंग डाउन फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, इस रिवर के अंदर। एंड मैनी पीपल इन द हिमालय रेंज लॉस्ट देयर हाउस अंडर द ह्यूज शीट ऑफ आइस, ठीक है। अब तो यहाँ पर आप 1 के साथ 100 लगा के देखो, द गंगा रिवर इज फ्लडेड ड्यू टू द लार्ज शीट ऑफ द आइस कमिंग डाउन फ्रॉम द हिमालय, सो द मेनी पीपल इन द हिमालय रेंज लॉस्ट देयर हाउस अंडर द ह्यूज शीट ऑफ आइस, रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं हुआ कि गणेश रिवर के कारण
यहाँ पर गणेश रिवर के कारण यहाँ पे लोगों ने अपने घर खो दिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे रिलेट नहीं किया है। यानी कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, यानी कि दोनों चीज़ अलग अलग है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाते हैं, राइट। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। और दूसरी बात और मैं यहाँ पे करूँ तो ये है यहाँ पे देखने लायक चीज़ की, ये चीज़ जो आपकी बता रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू द, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इफेक्ट आ गया, ड्यूरिंग इफेक्ट, इफेक्ट का रीजन होता है कि इसके कारण बाढ़ आ गई इस रिवर में, ठीक है। इसमें भी ऐसे कहा कि हिमालय के अंदर पानी मतलब आइस मेल्ट होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, लोगों ने अपना घर खो दिया, तो यहाँ पर भी एक इफेक्ट हो गया। बट दोनों का रीजन क्या है, आइस का मेल्ट होना, यानी कि दोनों का कोज सेम है। तो आंसर नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बोला गया कि इफेक्ट ऑफ द कॉमन, ठीक है, द कॉमन कोजेज, ठीक है, सम कॉमन कोजेज, तो यही है कोज की आइस मेल्ट हो गई जिसके कारण यहाँ लोगों ने अपना घर खो दिया और वहाँ पर बाढ़ आ गई। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते, बढ़ाया अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से ध्यान से देखना है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो और मैं आपको बताता हूँ फिर ये कैसे करना है। क्वेश्चन को समझना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू होल्ड ए सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल द मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक फैसला लिया है, कुछ रीजन हुआ होगा, कोई कोज हुआ था जिसके कारण इन्होंने एक फैसला लिया है कि यहाँ पर सिंगल एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। सेकंड वन स्टेटमेंट कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड स्टूडेंट फ्रॉम द अदर स्टेट टू अप्लाई फॉर द सीट इन द मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यानी कि वो चाहते हैं कि खुद के स्टेट के जो बच्चे हैं वही वो पेपर दें, बाहर के लोग आके पेपर न दें। इन्होंने भी कुछ फैसला लिया है किसी न किसी रीजन के कारण, ठीक है। अगर अपन करते हैं फर्स्ट सो सेकेंड, तो कोई बात ही नहीं बन रही, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आप ट्राई करोगे क्योंकि सेकंड को साथ फर्स्ट के साथ करोगे तो ये रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखने लायक है कि रिलेट तो कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, तो उन्होंने मेन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वाला फैसला ले लिया। सो लगा के करोगे तो रिलेट करने लग जाएगा, बट यहाँ एक चीज़ ये है कि ये आपका निकला इफेक्ट, राइट, और दिस इज ऑल्सो इफेक्ट। समझने की कोशिश करो, ये दोनों ही एक तरह से इफेक्ट है आपके, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी एक फैसला लिया, हमें नहीं पता कोज क्या है, लेकिन इन्होंने एक फैसला लिया, कुछ बात हो गई, इन्होंने भी एक फैसला लिया, कुछ बात हो गई। यहाँ क्लियरिफाई नहीं करा कि स्टेट गवर्नमेंट के कारण इन्होंने ये डिसीजन लिया, ठीक है। फर्स्ट वालों ने कभी भी मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, मेंशन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। कोज क्या हो सकता है, अपन प्रेडिक्ट करते हैं, सपोज कीजिए कोज ये होगा कि है ना, एक स्टेट की गवर्नमेंट ने तो फैसला लिया कि सभी को अलाउ करूंगा, मतलब कि अलाउ नहीं करूंगा, और दूसरे ने लिया अलाउ करूंगा, तो इस रीजन के कारण इन्होंने तो ये फैसला ले लिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे, डिपार्ट कर देंगे, उनको आने नहीं देंगे। और इस फैसले को देख के गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि वो क्या करेगा, सिंगल एंट्रेंस टेस्ट लेगा सबके लिए, इससे सारे स्टेट गवर्नमेंट के रूल फेल हो जाएंगे, तो ये वाला कोर्स चला इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि इन दोनों पे इफेक्ट पड़ा, बट इनका क्या हुआ, कॉमन कोज है, तो आंसर ई आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का, पूरी वीडियो में सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही लगा मेरे को, आगे ही क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल आएंगे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। देखो ई में इसको मैं आपको 100% लगेगा कि बी है, बट एक्चुअली इसका आंसर ई ही रहेगा। मैंने समझाया आपको, कोज ये चल रहा है जिसके कारण ये दोनों इफेक्ट के अंदर अप्लाई हो गए, इफेक्ट में अप्लाई हो गए, तो सम कॉमन कोज के कारण यहाँ पे आंसर ई हो जाता है आपका। आया समझ में, वीडियो को दोबारा देख लो, देखो समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छे से बताया मैंने, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक लड़की है जो ये मूवी देखना चाहती थी 7:30 बजे, लेकिन वो पहुंची कितने बजे, 7:45 बजे, तो उसने क्या, अगर आप 8:30 की टिकट ली है, तो देखो शी वॉन्टेड टू वॉच द मूवी एट 7:30 बट शी रीच्ड एट 7:45, सो शी बॉट टिकट फॉर द 8:30 PM स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी शी वॉन्टेड टू वॉच। तो यहाँ पर सो लग गया है, इजिली लग गया, नहीं लग गया तो आंसर ए हो गया ना आपका, आंसर ए आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत आई इसमें, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप कर सकते हो। आगे बढ़ने का क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। देखो जितनी प्रैक्टिस करके उतना ज़्यादा आपका बढ़िया होता जाएगा, मैं तो ये जानता हूँ एक ही चीज़। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज द बैंक ऑफ द पंजाब ए न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड द मोबाइल वॉलेट इन इंडिया, ठीक है, मोबाइल वॉलेट इन इंडिया लॉन्च कर दिया इन्होंने, ठीक है, इंडिया के अंदर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एंट्री ऑफ द फॉरेन बैंक इन टू द इंडिया मार्केट विटनेस ए राइज दिस ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर एंड दे हैव अटैच्ड इंडियन कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन बैंक्स की एंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ कोज हुआ होगा तो जिसके कारण तो इन्होंने मोबाइल वॉलेट चालू किया, और यहाँ एंट्री के सही फॉरेन की कुछ ना कुछ कोज हुआ होगा, ठीक है, दोनों के पास कुछ ना कुछ कोज हुआ होगा, ठीक है, बट हमें नहीं पता कि इनका सेम है कि डिफर है, ठीक है, बट ये दोनों इफेक्ट निकले, हमें ये जरूर पता चल गया, आइडिया लग गया कि ये दोनों इफेक्ट निकल गए, ठीक है, बट इनके कोजेस क्या सेम है,
क्या सेम है इनकी कोर्स? नहीं है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वॉलेट की बात कर रहा है कुछ एप्लीकेशन मोबाइल की, और यहाँ पे बैंक एंट्री की बात हो रही है। तो भले ही दोनों ही बात बैंक की हो रही है, बट अलग अलग है, तो आंसर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, इंडिपेंडेंट कोर्सेज का केस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन लगेगा आपको, ठीक है। द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैज़ इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर ऑफ 200% ओवर द लास्ट फीस, ठीक है, टू मीट द एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड नाउ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज देयर फीस इन स्पाइट ऑफ द प्राइस एक्सेलेरेशन, ठीक है। यहाँ क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये निकला एक कोज, ठीक है। अब आप क्या करो, 102 करो एंड 201 करो, रिलेट ही नहीं होगा, दोनों अलग अलग कोज हो गए, ठीक है। यहाँ आपको लग रहा है कि ये एक इफेक्ट है, नहीं है, ठीक है, इफेक्ट नहीं हो सकता, ये कोज ही कहलाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, इन्होंने कहा कि लास्ट फीस टू मीट द एक्सपेंसेस, तो दोनों अलग अलग कोज हो गए। यहाँ इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करा क्यों इंक्रीज नहीं की इन्होंने, और इन्होंने क्यों डबल किए, 200% क्यों किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है इस बार, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट कोजेज, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, अगेन ध्यान से देखना है क्वेश्चन। द अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज इट डाउन फॉर द मंथ एंड रीलोकेट एयर समवेयर एल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, डिसाइड किया था कि वो कहीं और लगाएंगे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई फ्राइडे को। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या आपको लगता है कि एक महीने के लिए अगर अपन ऑफिस को बंद कर दे तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी? देखो यहाँ क्या कहे, ह्यूज, वर्ड्स को पकड़ो, आपको वर्ड्स को कैच करना आना चाहिए। ह्यूज का समझो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके एक महीने के लिए शटडाउन के कारण फ्राइडे को यहाँ भीड़ लग गई। तो यहाँ देखोगे, द अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज इट डाउन फॉर द मंथ एंड रीलोकेट एल्सवेयर, सो देयर इज ए ह्यूज रश ऑफ द पीपल टू द पासपोर्ट ऑफिस लास्ट फ्राइडे। बट ये चीज़ नहीं बैठेगी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज वर्ड आ गया, ह्यूज वर्ड आ गया, तो यहाँ पर कुछ और रीजन रहा होगा कि ये यहाँ पर भीड़ कुछ और रीजन के कारण लगी है। अगर यहाँ पे ह्यूज वर्ड यूज नहीं करते ना अपन, तब तो डेफिनेटली सेकंड हो जाता, बट यहाँ सेकंड नहीं होगा क्योंकि ह्यूज वर्ड यूज किया है। अब ह्यूज वर्ड का अर्थ हो गया बहुत ज़्यादा लोग हो गए, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो कुछ और रीजन इसका रहा है और कुछ और रीजन इसका रहा है, ठीक है, हटाने का। तो दोनों ही यहाँ पर फोर्थ का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान, अगेन एक और क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया कि कोचिंग के अंदर नया ट्रैफिक सिस्टम लगा दिया गया है ताकि वो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कही, ट्रैफिक लाइट लगाई है, ठीक है। और इधर बोला है कि 2 महीने से यहाँ पर एक्सीडेंट का नंबर कम हो गया है, या नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन कोची हैज कम डाउन इन द पास्ट 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको लगता है कि केवल ट्रैफिक लाइट लगाने के कारण ही यहाँ पे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? एक्सीडेंट कब कम हो सकते हैं ये बताओ, जब रोड सही होगी, ठीक है, लोग रूल्स को फॉलो करेंगे प्रॉपरली, तब होगा ना। तो आपस में क्या ये दोनों रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हो गए, एक तरह से अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे आंसर अगेन फोर्थ आ गया, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। जी हाँ, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है इसे, मान लो तो आप आसानी से कर पाओगे, होप सो। सो ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्ट्रिक डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है, आरएस अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।